And staying with Haryana, battleground Haryana heating up further. As the assembly elections inch closer, Congress is already talking to the Aam Aadmi Party. During the Congress CEC meeting held on Tuesday, Congress designated a committee to oversee the alliance talks. As per sources, AAP has demanded 10 seats from the Grand Old Party, but it's willing to offer only 7. Suspense looming over wrestler Vinesh Fogart to contest Haryana polls on a Congress ticket. Sources indicate negotiations are underway and set to take place even further between AAP MP Raghav Chadda and Congress MP KC Venugopal. The third meeting between the two leaders is likely to take place today. अभी तक तो मैं 90 के 90 विधानसभा की सीटों पर तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी और पूरी तैयारी के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई। संजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारे राष्ट्रीय नेता है, वो जो बात कहेंगे कुछ सोच समझ के ही कहेंगे, परंतु मेरे से मेरी हाईकमांड जब पूछेगी तो मैं उनको बताऊंगा। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है, इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाए। विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया का नाम नहीं है, उसके बारे में भी मैं समझ रहा हूँ परसों तक कोई क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, अगर हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की सोचने लगी, इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत रही है। गठबंधन की तलाश किसी को तभी होती है जब वो कमजोर होता है, और हरियाणा की कांग्रेस दिखाने में लगी थी मगर वो बहुत कमजोर हो चुकी है, और चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे किसानों के समर्थन का मामला हो, किसानों के हित का मामला हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और भी लोगों के दिलों के करीब आई है।